नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राघवेंद्र सिंह। आज जिनसे बातचीत करने वाले हैं बहुत खास मेहमान हैं। कानपुर से दो बार से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं श्री अमिताभ वाजपेयी। उनसे जानेंगे आज के राजनीतिक हालात और जो 2024 का चुनाव है उनकी तैयारी कैसी चल रही है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस में गठबंधन हो गया है, सारी चीजें समझेंगे बारी बारी से। सबसे पहले अमिताभ वाजपेयी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, शुक्रिया। कैसे हैं आप? ठीक है, अच्छा है, विपक्ष है कुछ, अगर विशेष खराब नहीं उसको अच्छा मान लिया जाए। और आपका जो अंदाज है सबसे अलग है, चाहे विरोध करने का अंदाज हो चाहे जनता के बीच रहने का अंदाज हो, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, हम लोग मौलिक भाव से जो हमारे मन में भाव आता है उसके हिसाब से काम करते हैं, किसी दिखावे या आडंबर में नहीं पड़ते। जो मुझे लगता है कि हमारे जैसे लोग राजनीति में होने चाहिए, जो आम परिवारों से निकल के आए हैं, जो आम परिवारों की आकांक्षाएं हैं उनको पूरा करने का प्रयास करते हैं। अब वो अगर लोग अच्छा लगता है तो ठीक है, हमको भी स्वीकार है, हमें भी उसमें कंफर्टेबल जोन में है कि हमें आम आदमी का रहना अच्छा लगता है, उनको भी अच्छा लगता है, तो ये एक विन विन सिचुएशन है। अच्छा है, ठीक है। जनता के बीच में आप काफी पॉपुलर हैं। 2017 का चुनाव जब मोदी लहर थी, 2022 का चुनाव जब दोबारा से मोदी योगी लहर थी, दोनों बार आप चुनाव जीते, कितना मुश्किल था वो चुनाव? नहीं, मुश्किल नहीं था। देखिए, हमें पार्टी ने मौका दिया 2007 में, पहले चौबेपुर से, उस समय शायद अनुभवहीनता थी या जो परिस्थितियां थी नहीं समझ पाए, 12 मौका नहीं मिल पाया। 17 में पार्टी ने फिर मौका दी, तो बड़प्पन हमारी पार्टी का है जिसने हमको बार बार मौका दिया। 17 में जब मौका दिया तो वो शहर में दिया हमको, तो वो ठीक निकला, मुकद्दर कहेंगे इसको, और पार्टी का बड़प्पन कहेंगे जिसे टिकट दिया और जनता ने हमको आशीर्वाद दिया। कोई लहर रही होगी, लेकिन हमारे शहर में, हमारे क्षेत्र में कोई लहर नहीं। हम लोगों के जो अपना काम है, जो लोगों से जुड़ाव है, जो हमारी पार्टी का आधार है, उसी की लहर चलती है। यहाँ पे किसी बाहरी की लहर नहीं चलती है। मैं थोड़ा शुरू में जाना चाहता हूँ, जब आपने राजनीतिक शुरुआत की थी, शुरू से ही ऐसा कहा जाता है कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बहुत अच्छे संबंध हैं और उन्होंने भी आपको लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया हुआ था। अपनी शुरुआती जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए। नेता नेता होते हैं, नेता से के लोग यदि विश्वस्त होते हैं, वफादार होते हैं, तो वही उनके संबंध होते हैं, और कोई संबंध तो नहीं होते। ये उनकी कृपा रही मेरे ऊपर कि शुरू में उनकी निगाह हमारे ऊपर पड़ गई निगाह, और उन्होंने हमें कई बार टास्क दिए इस तरह के आंदोलन में और पार्टी कामों में, जिसको हम लोगों ने ठीक से पूरा किया, तो जिम्मेदारी उन्होंने बढ़ाई मौके मौके पर। पहले यूथ में हमें काम करने का मौका दिया लोहिया वाहिनी में, फिर मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, तो हमको चुनाव लड़ने का मौका दिया, पूरे प्रदेश में और देश के भी कई प्रदेशों में जाकर के संगठन में काम करने का मौका दिया। तो हम उनके आभारी हैं कि उन्होंने मौका हम लोगों को दिया, और ईश्वरी कृपा है कि जो मौका उन्होंने दिया उस पर हम लोग खड़े उतरे, तो आगे चल के एक मजबूत लाइन तैयार हो गई। आपकी जो विधानसभा है आर्य नगर, वो सारी कम्युनिटीज का एक जो अनुमान है, जो आबादी है कह सकते हैं, बराबर है। ऐसा नहीं कि हिंदू ज्यादा है, मुस्लिम कम है, मुस्लिम भाई भी हैं, हिंदू भाई भी हैं। और जो काम आपने किया है उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे, जो क्योंकि मुझे पता है कि चैलेंजेस आते होंगे, क्योंकि जितने काम आसानी से सत्ताधारी पार्टी के लोगों के हो रहे होंगे आपको मुश्किलें फेस करनी पड़ती होंगी, तो जो मेजर काम आपने करवाए हैं? नहीं, ऐसा है ना कि जो काम का जातियों और धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जातियां धर्म तो लोगों ने बना रखे हैं जो अपने सुविधा के लिए, जब हम काम करने निकलते हैं, मान लीजिए कहीं पीने के पानी की समस्या है तो उसका किस जात धर्म से मतलब है, या कोई सड़क बननी है उसका किस जात धर्म से मतलब है? ये तो फॉर ऑल होता है। जो हम लोग काम करने का तरीका या जो निर्णय लेने के जो पैमाने हैं उसमें जात धर्म नहीं है, ये किसी के पैमाने हो सकते हैं ये। पर हम लोग कोशिश करते हैं कि जब काम के फील्ड में बैठे, जब अपनी टेबल पे बैठे जहां हमें काम करने हो लोगों के, वहां पर इन सब बातों से ऊपर उठ के, अच्छा हम लोग शपथ लेते हैं उसमें भी तो कहते हैं कि राग द्वेष से ऊपर उठ के काम करेंगे, तो हम लोग उसमें जातियों और धर्मों का कोई नहीं रखते स्थान। धार्मिक भावना किसी की हो, यदि वो अपने धार्मिक कार्यक्रम करता है उसमें हमको आमंत्रित करता है तो उसमें हम लोग जाते हैं, और उसी भाव से, जिस भाव से वो आमंत्रित करता है, उसी श्रद्धा से, उसी भाव से उसमें शामिल होते हैं। लेकिन हमारे जो विधायी कार्य करने की व्यवस्था है उसमें ये बातें नहीं आती, उसमें क्षेत्र की आवश्यकता क्या है, कहाँ जरूरत किस बात की है, उसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। पिछले साल भाभी ने चुनाव लड़ा था, वंदना भाभी ने, और समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले थे, आई थिंक 3.5 लाख से ज्यादा वोट मिले थे मेयर के चुनाव में। और उसके बाद अभी जो चुनाव है, पिछले महीने हवा उड़ा दी गई कि आप कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, अफवाहों का बाजार गर्म हो जाता है। चलिए, चर्चा में रहना चाहिए। हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह जी कहा करते थे कि राजनीति वाले व्यक्ति को चर्चा, पर्चा और खर्चा का ध्यान रखना चाहिए। तो अगर चर्चा बनी है किसी बात की बनी रहे, देखिए हम लोगों ने 27 साल समाजवादी पार्टी में हो गया,
लंबा समय माननीय अखिलेश जी के साथ में हम लोग काम करते हो गया, तो हम लोग एक ऐसा जुड़ाव है जो छोटे मोटे जो ये लालच होते हैं, महत्वाकांक्षाएं होती हैं या डर होते हैं, इनसे हम लोग ऊपर उठ करके राजनीति कर रहे हैं, तो इसलिए इस तरह की बातें नहीं आती। चूंकि कांग्रेस वैचारिक धरातल पर समाजवादी पार्टी की जैसी है, वो भी सेक्युलर फ्रंट पर काम करती है, तो इसलिए लोग समझते हैं कभी हम लोगों की दोस्ती ज्यादा हो गई। 2017 का चुनाव हम लोग अलायंस में जीते थे, इसलिए अलायंस के नाते कभी कुछ चर्चाएं हो जाती है, पर ये हमने तभी स्पष्टीकरण दे दिया था कि अगर किसी को कोई कंफ्यूजन भी हो कि हमारा जीवन अखिलेश यादव जी के साथ है, उन्हीं के नाम है, और जैसा उनकी धारा होगी, जो उनके निर्णय होंगे, उसके हिसाब से हम लोग पार्टी पे काम करेंगे। और ये अफवाहें उड़ा करती है क्षेत्र में से, पिछली बार जो मेयर चुनाव का आपने जिक्र किया, तो हम लोग उसके एस्पिरेंट नहीं थे, उस तरह से नहीं चाहते थे लड़ना, लेकिन राजनीति में इनकार कैसा, अगर नेता का आदेश आए लड़िए तो लड़िए, कि हम लोग योद्धा हैं, हम लोग लड़ने के लिए ही राजनीति में आए हैं, जीतना हारना ईश्वर के हाथ में है। और उस चुनाव में मुझे खुशी है, जनता ने हमको अपार समर्थन दिया, हर तरफ एक ही आवाज आई। अब वो कैसे वो जीते, उसमें हम अगर कहेंगे छल से जीत गए तो उस पर अनेक सवाल उठेंगे, तो हम सवाल उठाने के बजाय हम उसको स्वीकार करते हैं और हम आगे राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं, फिर मौके आएंगे, फिर हम लोग उसको लड़ेंगे। जो मेयर की चुनाव की बात हुई तो उसमें जो जुलूस था, महाना जी का जुलूस सामने आ गया था, आपका जुलूस जा रहा था, कौन कुछ कहे इसमें, चूंकि स्पीकर है, अब स्पीकर को तो आने नहीं चाहिए था क्षेत्र में। अब स्पीकर के आप सोशल आईडी देखिए, दिन भर वो पार्टी के प्रचार किया करते हैं, जबकि स्पीकर का पद पार्टी के से ऊपर होता है, लेकिन वो कहेंगे हम पार्टी से चुन करके आए इसलिए हम पार्टी प्रचार करेंगे। अब ये उनकी मर्यादा है भाई, 8 बार के विधायक हैं, बड़े हैं, हमारे स्पीकर हैं, तो हम उनकी मर्यादा का ध्यान रख रहे हैं, लेकिन फिर मुझे लगता है स्पीकर को थोड़ा सा तो पार्टी से ऊपर उठ करके निष्पक्ष होना चाहिए था, और नेता प्रतिपक्ष के जुलूस के सामने नहीं आना चाहिए था। बस चलिए, रात गई बात गई, पुरानी बात हो गई, राजनीति रोज करवट लेती है, पर ये मुझे लगता है कि स्पीकर को कम से कम पार्टी के लिए इस तरह फील्ड में नहीं आना चाहिए था। अभी जैसे यूपी में फिर से कांग्रेस के साथ गठबंधन हो गया है, कांग्रेस का सपा का, अब कानपुर की सीट कांग्रेस को मिल गई है, आपको क्या लगता है कि इस बार मुकाबला कैसा रहेगा, क्योंकि बीजेपी ने अभी तक अपना कैंडिडेट घोषित नहीं किया है। ये इंडिया गठबंधन का डर है, जो भारतीय जनता पार्टी शहर में अपना कैंडिडेट घोषित नहीं कर पा रही, उनको मालूम है कि 3 सीटें इंडिया गठबंधन के पास है। हाँ जी, ये 3 सीटें पिछला चुनाव जब हुआ 17 वाला अलायंस में, तब भी 3 सीटें इंडिया गठबंधन के पास थी, अब भी 3 सीटें इंडिया गठबंधन के पास है, भले उसमें कांग्रेस के पास थी, अब तीनों समाजवादी पार्टी के पास है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी आशंकित है इंडिया गठबंधन की ताकत को लेकर के, और वो तय नहीं कर पा रहे कि हमें क्या समीकरण बढ़ाना चाहिए, तो हम लोग भी उनका इंतजार कर रहे हैं, जैसे उनका कैंडिडेट आएगा वैसे हमारा कैंडिडेट आएगा। आप विश्वास मानिए कि कानपुर कम से कम हम लोग इंडिया गठबंधन के खाते में सीट डालने में सफल होंगे, यहाँ के लोगों का तेवर हमेशा बगावती रहा है, यहाँ से कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद जीते हैं कई बार, यहाँ कांग्रेस पार्टी के सांसद जीते हैं कई बार, इसलिए यहाँ का तेवर कभी किसी के पीछे नहीं चलता, यहाँ का तेवर एक अलग चलता है। ये छात्रों का शहर है, व्यापारियों का शहर है, ये नौजवानों का शहर है, यहाँ पर अलग तरह की बात आती है, और यहाँ का से जो शुरुआत होगी पूरे देश में जाएगी, और कानपुर का परिणाम भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत चौंकाने वाला होगा। जैसे पिछले दिनों कानपुर के प्रमुख कांग्रेस नेता अजय कपूर जी भाजपा में शामिल हो गए, उसको आप कैसे देखते हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस को कुछ प्रभाव पड़ेगा? नहीं, उन पर हमें कहूँ मेरे मित्र रहे हैं तो हमें उन पर दया आती है, उस बेचारे के 36 साल का जो करियर था कांग्रेस पार्टी को खड़ा करने में, अपनी जो मेरा ख्याल उनकी पारिवारिक परिस्थितियाँ हों या कोई जांचें बताते हैं कुछ लोग की कुछ जांचें ऐसी चल रही हैं, मैंने उनका चेहरा देखा जब वो शामिल हुए, तो चेहरे में जो उनके मलिनता के भाव थे, मुझे लगा निश्चित रूप से आदमी बहुत परेशान है बेचारा, और मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ भगवान उनका भला करे, कम से कम वो परेशान ना रह जाए। तो दल अगर मजबूरी में बदलना पड़ा है तो उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करी जा सकती, अब उनकी पारिवारिक परिस्थितियाँ हों या उनकी व्यापारिक परिस्थितियाँ हों, पर कम से कम राजनीतिक परिस्थितियाँ तो नहीं थी। अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री को ईडी ने हिरासत में ले लिया है, और मैं भी इसका समर्थन हूँ कि अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है उसको आप जेल में रखिए, लेकिन जिस तरीके से पूरी भारत की जनता ये कह रही है कि दबाया जा रहा है, विचारों को दबाया जा रहा है, और इस तरीके से जो कार्रवाई हुई है, उनके जो प्रमुख नेता थे पहले से सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, उनको जेल में डाला हुआ था, और अब केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया, कहीं ना कहीं बीजेपी की हताशा ये जाहिर करती है। भारतीय जनता पार्टी भूल गई कि जिस आंदोलन के फलस्वरूप ये सरकार में आए थे, वो भी केजरीवाल जी का चलाया हुआ आंदोलन था,
जिसका कहने का असर हुआ था उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी, और जिस व्यक्ति ने ईमानदारी को लेकर के पूरे देश में आंदोलन चलाया उस आंदोलन का यह असर हुआ कि आज जो दो स्टेट में उनकी पार्टी की सरकार है लोग उन्हें भरोसा करते हैं, आम आदमी से जुड़ करके उन नीतियाँ बनाई हैं, उनकी शिक्षा की और स्वास्थ्य की नीति की लोग अनुसरण कर रहे हैं। ऐसे में चुनाव आचार संहिता घोषित हो जाने के पश्चात इस तरह की दमनात्मक कार्रवाई सरकार की जो मंशा है उस पर संदेह पैदा करती है, और निश्चित रूप से केजरीवाल जी की जो बढ़ती लोकप्रियता थी उसको लेकर के परेशान थी सरकार, और जो गठबंधन हुआ है गठबंधन को लेकर के भी सरकार परेशान थी। तो वो दमन के माध्यम से अपनी जो एजेंसियां हैं, जो उनकी राहुल जी की भाषा में कहा जाए जो उनकी आसुरी शक्तियां हैं, हाँ जी, उनके माध्यम से वो दमन करना चाहते हैं। पर जब जनता के बीच में बात पहुंच जाती है तो ये कि सरकार के एजेंसी के बस की नहीं रह जाती है। अंग्रेजों ने बहुत दमन किया था, तो जलियांवाला गोलीकांड चला दिया था, आज तो दिन है 23 मार्च का, आज तो शहादत हुई थी हमारे भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की, लेकिन शहादतों से आंदोलन नहीं रुके थे, आंदोलन अपने अंजाम तक पहुंचते हैं। भारतीय जनता पार्टी कितना भी दमन कर ले इस सरकार को बचाने वाला कोई नहीं, सरकार निश्चित रूप से सत्ता के बेदखल होने वाली है। ईडी ये आरोप लगाती कि 100 करोड़ का भ्रष्टाचार किया था अरविंद केजरीवाल जी की पूरी टीम ने, लेकिन आज तक 250 से ज्यादा रेड किए हैं और 1 रुपया नहीं निकाल पाए। क्या ईडी कोई इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर भी कोई जांच कर रही क्या? सुप्रीम कोर्ट के दखल देने के बाद इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जिन्हें बाहर आया, क्या ईडी उस पर कोई जांच कर रही क्या? किसने दिया, कब दिया? ईडी की जो छापे पड़े, छापों के बाद कंपनियों ने पैसा दिया है, सीबीआई की छापों के बाद कंपनियों ने पैसा दिया, इस पर कोई जांच कर रही क्या ईडी? और अगर कोई जांच करनी थी तो वो चुनाव के बाद भी कर सकती थी। अभी आचार संहिता के दौरान ही गिरफ्तारी करना, इसके पहले हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी करना, ये लगातार ही बता रहा है कि वो दमन की ओर बढ़ चले हैं, और ये तानाशाह का ही अंतिम हथियार होता है, और ये तानाशाही हुकूमत अब अपने आखिरी हथियार का प्रयोग कर रही है। इसका मतलब है कि तानाशाही हुकूमत जाने वाली है, देश का लोकतंत्र फिर से उठा रहा है, और वो निश्चित रूप से इनको हटा देगा सरकार से। आपको क्या लगता है कि ये बहुत गलत फैसला रहा है, और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस को इसका, इंडिया गठबंधन को इसका फायदा मिलेगा इस गिरफ्तारी? पूरे देश में लोग जो आज जो सच जानना चाहते हैं, जो सच को समझते हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो आज चर्चा कर रहे हैं कि इसकी इस समय की जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, गिरफ्तारी की कोई जरूरत इस समय नहीं थी। अगर कोई बड़ा अपराध ही सिद्ध हो जाता तो चुनाव के बाद भी करी जाती थी गिरफ्तारी, लेकिन उसकी टाइमिंग है और जो तरीका है वो उनकी हताशा को दिखा रहा है, और लोग जो इसके खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी को ध्यान रखना चाहिए 60% मतदाता आज भी उनके खिलाफ है, वो एकजुट नहीं हो रहा था। इंडिया गठबंधन होने से जो 60% मतदाता वो एकजुट हो गया है, और उसका असर उनको दिखाई पड़ रहा है, तो इसलिए ये सब हताशा में लिए गए फैसले हैं, और इसका चुनाव पे परिणाम भारतीय जनता पार्टी के सोच के विपरीत पड़ेगा। जो उनका विरोधी मतदाता है वो और ताकत से और एकजुट होकर के वोट करेगा, और इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनाव में उठाना पड़ेगा। आप जब भी मुख्यमंत्री जी कानपुर आते हैं आपके घर को छावनी में तब्दील कर दिया जाता है, ऐसी क्या वजह है कि आपको घर से नहीं निकलने दिया जाता है? आप भी उनके साथ, उनके साथी विधानसभा सदस्य हैं, ऐसा क्या डर है? पता है नहीं, अब ये तो अब वही बेहतर बता पाएंगे, हम तो उसको एंजॉय करते हैं। हमें जब उस दिन अपनी ताकत का एहसास हो जाता है, जब पुलिस इतनी भारी मात्रा में लग जाती है आकर, तो हमें खुशी होती है कि हम हैं तो एक मामूली से विधायक, लेकिन कम से कम जनता की ये ताकत है कि अगर हम कोई बात कहना चाहते हैं या कभी कभी नहीं भी कहना चाहते हैं, लेकिन हमको पता भी नहीं होता आज मुख्यमंत्री जी दौरा है, लेकिन जब पुलिस आ जाती है तो मालूम पड़ता है कि मुख्यमंत्री जी का दौरा है। तो ऐसा जो ये डर सरकार का है और वो हमको अच्छा लगता है, और यही जनता की असली ताकत है कि जनता के मुद्दों से जो सरकार मुंह चुराएगी उसको जनता से डरना ही पड़ेगा। पिछले दिनों में राजा रामपाल जी के साथ बैठा हुआ था, उनके साथ इंटरव्यू कर रहा था, अकबरपुर लोकसभा में शिवली में मड़ौली जगह है जहां पे पिछले साल बुलडोजर गया था, माँ बेटी उस झोपड़ी के अंदर जल के उनकी मौत हो गई थी। आज तक जिस SIT को गठित किया गया था 10 दिन में रिपोर्ट सबमिट करनी है, आज 1 साल से ज्यादा हो गया अभी तक रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई है, और आप भी वहां जाने वाले थे, उस टाइम पे भी आपको निर्बंध किया गया था, गए थे आप उस कांड गए थे, हम लोग गए थे वहां पर, बाद में गए थे, उस दिन तो नहीं जा पाए थे, अगले दिन गए थे, हम लोग भी गए थे, और हम लोगों ने परिवार से बात भी करी थी, और परिवार को उन्होंने नौकरी देने का आश्वासन भी दिया था, और अफसोस कि आज तक ना उन्होंने नौकरी दी है ना कोई मदद करी है। डिप्टी सीएम ने फोन करके कहा था कि हम आपके परिवार का हिस्सा हैं, हम वैसे चिंता करेंगे जैसे परिवारिक करी जाती है, पर सरकार चूंकि झूठी फरेबी सरकार है और ये अधिकारियों के बल पर चलती है, तो उन्होंने आज तक ना कोई मजबूत कार्रवाई करी है, ना ही उस परिवार की कोई मदद करी, परिवार आज भी दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। अभी विधानसभा सत्र में भी राजचंद्र जी ने इस मुद्दे को कई बार प्रमुखता से उठाया, हमारी पार्टी लगातार इन मुद्दों को लेकर चल रही है, लेकिन ये सरकार आंख मीच के बैठी है, और ये मानवीय दृष्टिकोण के जो मुद्दे हैं उन पर भी ये मौन रहती है। आप अकबरपुर लोकसभा में प्रचार करने जाएंगे क्योंकि बगल की सीट है और आपका प्रभाव भी है वहां पे?
में जाएंगे, पार्टी के हम लोग मीटिंगों में जा रहे हैं, हम लोग ईश्वर चाहेगा सारी बेल्ट जो हमारे आसपास की है, ये कानपुर की सीट है, अकबरपुर की है, मिश्रिक की है, रसूलाबाद है जो कन्नौज लोकसभा की सीट है, इन सब में जाके हम लोग पार्टी का प्रचार करेंगे। और होली के बाद आपको दिखाई पड़ेगा कि समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता पूरी तरीके से सड़कों पर होंगे। अभी बदायूं में एक बहुत दुखद घटना हुई है जिसको सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? घटना तो बहुत दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है, इस घटना के सही कारणों की जांच हो जानी चाहिए और ऐसी घटनाएं फिर ना हो इसको सुनिश्चित करना चाहिए, अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा भी मिलना चाहिए। पर सरकार को भी अपने दामन झाँक के देख लेना चाहिए उन्होंने किस हद तक नफरत पैदा कर दी है कि आज आदमी आदमी की जान का दुश्मन हो गया। ये नफरत जो पैदा करने की राजनीति है, हम समझते हैं कहीं ना कहीं वो भी इसके लिए उत्तरदायी है। तो हम लोग नफरत के बजाय प्यार की राजनीति करनी चाहिए, लोगों में प्यार का संदेश देना चाहिए, शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए और उन्मादी वातावरण से जनता को मुक्त करना चाहिए। और इस जो घटना हुई है इस पे अपराधियों को जितनी कड़ी सजा संभव हो उतनी कड़ी सजा कानूनी माध्यम से दिलानी चाहिए। अभी मैंने कानपुर में एक होर्डिंग लगी देखी, अकबरपुर के प्रत्याशी थे देवेंद्र सिंह भोले, उसमें लिखा हुआ था दो बातें भूल मत जाना, राम मंदिर कमल का फूल। राम मंदिर का बीजेपी चुनाव के लिए जो प्रयोग कर रही है, आपको क्या लगता है कुछ फायदा मिलेगा या फिर मतलब? नहीं, उनको उनको बेहतर होर्डिंग लगानी चाहिए, उनको लिखना चाहिए कि किसानों तुम एमएसपी की बात भूल जाओ, उनको लिखना चाहिए कि बेरोजगारों तुम नौकरी की बात भूल जाओ, उनको लिखना चाहिए कि पेपर लीक को तुम भूल जाओ, उनको लिखना चाहिए कि कर्मचारियों तुम पुरानी पेंशन को भूल जाओ, जो बातें भूलनी है उस पर उनको जोर देना चाहिए। ये बातें जो बता रहे हैं वो राम मंदिर हर व्यक्ति के मन में बसाया हुआ है, उसको याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो बातें उनको भूलनी है इनको वो सारी बातें लिखनी चाहिए कि ये सारी बातें आप लोग भूल जाओ, तभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन पाएगी। अभी जिस तरीके से जल्दबाजी में इनॉग्रेशन हुआ मंदिर का 22 जनवरी को, उसमें भी विधानसभा अध्यक्ष कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी का कोई भी विधायक शामिल नहीं हुआ। विधानसभा अध्यक्ष को खुद ही शामिल नहीं किया गया, वो कहाँ गए थे 22 जनवरी को, इनको खुद ही नहीं बुलाया गया था। ये सब उनके वो हाथी के दिखाने वाले दांत हैं, इसकी गहराई में नहीं जाना चाहते। पर 22 जनवरी को उनको भी नहीं बुलाया गया था और किसी को नहीं बुलाया गया था वहाँ। 22 जनवरी को पूरे देश के वो उद्योगपति बुलाए गए थे जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने और देने में सक्षम थे, उसके अलावा किसी को नहीं बुलाया गया। अभी 2024 के चुनाव में आप प्रमुख मुद्दे क्या मानते हैं बीजेपी के जो कार्यकाल रहा पिछले 10 सालों का? अभी तक सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी था, जो पेपर लीक हुए वो था, लेकिन अब तो मुद्दा हो गया है इलेक्टोरल बॉन्ड। मुझे तो इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं, शर्मसार करने वाला मुद्दा है कि आपने पुलवामा अटैक के बाद पाकिस्तान से पैसा ले लिया, आपने बीफ बनाने वाली कंपनी से पैसा ले लिया है, आपने वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से पैसा ले लिया है, आपने लॉटरी वाली कंपनी से पैसा ले लिया है, आपने रेट्स के बाद उनके एवज पैसा ले लिया है। तो मुझे सबसे ज्यादा शर्मसार करने वाला मुद्दा तो इलेक्टोरल बॉन्ड हो गया है। इसके अलावा बेरोजगारी और पेपर लीक बड़ा मुद्दा है, तो किसानों का आंदोलन तो कोई भूला नहीं होगा, जो 700 किसानों की मौतें हुई हैं, तो किसानों के एमएसपी और किसान बड़ा मुद्दा है। वो जो बेटियों का अपमान हुआ है जो भाजपा के मंत्रियों ने किया है, वो भी लोग भूले नहीं होंगे। लखीमपुर में जो किसानों पे जो जीप चढ़ा के मार दिया गया, वो आज भी मंत्री बना हुआ है, फिर टिकट मिल गई है, वो भी लोग भूले नहीं होंगे। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो सर चढ़ करके बोलेंगे। जो कर्मचारी पेंशन मांग रहा है क्या वो भूल गया है? ये आउटसोर्सिंग निजीकरण, सारी कंपनियां बेच दी, सब कुछ बेच दिया। ये वो है पहलवान जो दांव दिखाता कुछ और है, लगाता कुछ और है, दिखाता है धार्मिक बातें और बेच देता है कंपनियां। तो वो सारी बातें लोग नहीं भूलेंगे। आज देश की संपत्ति तक बिक चुकी है, देश का कर्जा बढ़ चुका है, इस जीडीपी गिर रही है, ग्रोथ कम हो रही है, स्मार्ट सिटी कहीं बनी नहीं है। आज केवल राशन में और सम्मान निधि के नाम पे वो लोग सरकार बनाना चाहते हैं। किसानों को पता है यदि हमको अच्छी एमएसपी मिल जाएगी तो हमें किसी सम्मान निधि की आवश्यकता नहीं है, हमको एमएसपी की और मंडी की आवश्यकता है, नौजवानों को रोजी रोटी की आवश्यकता है। तो इसलिए लोग जो असल मुद्दे हैं जिंदगी से जुड़े उस पर वोट करेंगे, और ये भावनात्मक मुद्दे जो लेकर सरकार आती है उस पर इस बार वोट नहीं होने जा रहा। पहले कभी अगर रेल दुर्घटना होती थी तो रेल मंत्री का इस्तीफा मांगा जाता था, अभी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पेपर लीक हो जाते हैं हर प्रमुख परीक्षा से पहले, अभी भी जो सिपाही की भर्ती वाला पेपर था 60 लाख से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया था, परीक्षा में शामिल हुए, पूरे प्रदेश में काफी ज्यादा तैयारी के बाद ऐसा हुआ और फिर पेपर लीक हो जाता है। जब विरोध होता है काफी ज्यादा तब सरकार बोलती है हम इसको निरस्त करते हैं, 6 महीने बाद दोबारा करेंगे। क्या आप मानते हैं कि समाज कल्याण विभाग के जो मंत्री हैं उनका इस्तीफा देना बनता है इस पे? नहीं, समाज कल्याण विभाग मंत्री बेचारे क्या करती है, इसमें तो मुख्यमंत्री का इस्तीफा बनता है। अगर नैतिकता हो तो ये इस्तीफे जो होते थे पहले परंपराओं में वो नैतिकता के आधार पर होते थे, पर नैतिकता कहाँ बची है भाई? अब नैतिकता कहाँ है? ये पर्चे लीक हो नहीं रहे, पर्चे कराए जा रहे हैं लीक, क्योंकि नौकरी देने की असल मंशा नहीं है।
अब 60 लाख लोगों ने अगर एक फॉर्म भरा है जो 18 वर्ष से 25 वर्ष की बीच की उम्र के हैं और इंटर पास है, एक पर्टिकुलर एक स्लैब आ गया कि इंटर पास लड़के जो 18 से 25 साल के फॉर्म भरेंगे, तो इतने 7 साल की उम्र के बेरोजगार नौजवान 60 लाख फॉर्म भर रहे हैं और उसके बाद सरकार चेतना नहीं जग रही, कैंसिल हो जा रहा है, जबकि नौकरी भी लगती तो 48,000 की लगती ना, तो लेकिन अब इतने बड़ी संख्या में। तो कल एक आंकड़ा हमारे राशिद जी बोल रहे थे कि 60 लाख अगर बच्चे फॉर्म भर रहे थे तो उसके 3 लोग परिवार के 1,80,00,000 होगा, और 1,80,00,000 मतदाता अगर खिलाफ वोट करेगा सरकार के तो सरकार के पास कुछ नहीं बचेगा। एक एक मुद्दा इतना बड़ा है, अपना जाने किस कॉन्फिडेंस पे ही बताते हैं अपना आंकड़ा, लेकिन अगर ये असल आंकड़े काम करेंगे तो इस भारतीय जनता पार्टी कहीं दिखाई नहीं पड़ेगी। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री का नाम पता है? क्योंकि मुझे नहीं पता है। हमें केवल देश के प्रधानमंत्री का नाम पता है, और किसी जरूरत क्या है, सारे उद्घाटन तो वही करते हैं। नाम हमें व्यक्तिगत तौर पर पता हो सकता है विधानसभा बैठने के नाते, लेकिन किसी भी जरूरत क्या, सारे उद्घाटन से प्रधानमंत्री करते हैं, क्योंकि चाहे रेल का उद्घाटन हो, चाहे सड़क का उद्घाटन हो, चाहे किसी चीज का उद्घाटन हो, सारे उद्घाटन प्रधानमंत्री करते हैं, अकेले करते हैं, उनके आसपास कुछ होता नहीं सिवा कैमरा मैनों की टीम के अलावा, उनके आसपास कुछ नहीं होता है, इसलिए किसी की पता करने की आवश्यकता नहीं। और चाहे सरकारी भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं है, सरकार किसकी है, क्या नाम लिख के आता है उनके विज्ञापन में, एक व्यक्ति की सरकार है, तानाशाह की सरकार है, इसमें ना कोई दल है, ना कोई मंत्री है, ना कोई दूसरी व्यवस्था है, सिर्फ एक तानाशाह है और उसकी फौज है। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मैंने आज तक नहीं सुना कि यूपी के शिक्षा मंत्री किसी स्कूल में जाके निरीक्षण कर रहे हो, देख रहे हो क्या खामियां हैं, कैसे इम्प्रूव करें। नहीं नहीं, आप गलत कर रहे हैं, वो अयोध्या गए थे ना, वो अयोध्या गए थे, वो काशी भी गए थे, वो मथुरा भी गए थे। इसके अलावा आपको इसके ज्यादा कुछ जानने की लगता है जरूरत नहीं होनी चाहिए। मंदिर बन रहे हैं और इतना ही देश के लोग नौजवानों के लिए पर्याप्त होना चाहिए, क्योंकि ये आम जनमानस की जो प्रमुख समस्या है, यूपी के जो सरकारी स्कूल हैं उनका हाल बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। नहीं देखिए, जो सरकार की जो नीतियां होती सरकार उसके हिसाब से काम करती, सरकार की नीति में ये है ही नहीं, आपने इसके लिए वोट ही नहीं किया है, आपको क्या बातें याद रखनी है, उन्होंने क्या बताया, क्या बातें याद रखनी है, राम मंदिर और कमल का फूल, तो फिर आप स्कूल को पूछेंगे, आपको जो बात याद हो आप उसी को पूछेंगे, इसलिए जो आपको याद है उसको उन्होंने जवाब दे दिया, बाकी चीजें आपको उन्होंने खुद ही कहा कि आप भूल जाइए, तो जब आपको सब चीजें भूल जानी है तो बाकी चीजों को आपको याद नहीं करना चाहिए। आपको क्या लगता है जो मणिपुर में पिछले साल आई थिंक अभी भी चल रहा है वहां पे जो प्रॉब्लम थी, बहुत लोग मारे गए, बहुत सारे बलात्कार भी हुए, बेटियों की हत्या हुई, और प्रधानमंत्री जी एक बार भी नहीं गए वहां पे, उनको जरूरत है, भूटान गए थे पता नहीं, भूटान तक गए थे परसों, अब भूटान से मणिपुर कितनी दूर है पता नहीं, लेकिन जब मैंने आपसे कहा कि वो कहते हैं बाकी सारी बातें आप भूल जाइए, सारी बातें भूल जाइए, उनको 400 पार का उन्होंने आंकड़ा दिया, 400 के बाद तो 420 भी आता है, अब उनको अगर 420 बनना था उनको 420 बनाइए, बाकी बातें अब सारी भूल जाइए। देश में उनकी नजर से देखेंगे तो कोई समस्या नहीं, पूरे विश्व में डंका बज रहा है, लेकिन जो मूलभूत समस्या है वो जस की तस है, बल्कि स्थितियां और खराब हुई हैं। अब जनता अगर अपनी असली स्थिति देख करके वोट करेगी तो वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट होने जा रहा है। अखिलेश यादव जी से जब पूछा गया कि बीजेपी ने नारा दिया अब की बार 400 पार, तो उन्होंने बोला कि अब की बार 400 हार, असली नारा ये है। अब तो वो उन्होंने बता ही दिया है नेता ने हमारे, पर हमको किसी ने बताया कि 400 के बाद भैया 420 आता है, तो होता है 420 अपने साबित करना चाहते हो तो वो तो साबित हो चुका है, उसके लिए वोटिंग जरूर थोड़ी ना है, लेकिन जब वोट पड़ेगा तो इनको इनकी आंखों से चश्मा उतर जाएगा और शाइनिंग इंडिया से भी बुरा हाल इनका होने जा रहा है। कल बिहार में भाजपा के जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, बहुत ही शर्मनाक बयान दिया है कि लालू यादव ने अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ा, पहले किडनी ली तब टिकट दिया, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? परिवार के दर्द को भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं समझते हैं, किसका प्रेम कैसे होता, पति पत्नी का, माँ बेटे का, पिता पुत्र का, ये प्रेम की परिभाषाएं ये लोग नहीं जानते हैं, उनकी स्थितियां लोग जानते हैं, वो लोग उनका परिवार तो बताते हैं 140 करोड़ लोग हैं, जो 140 करोड़ परिवार है उनका भी दर्द वो नहीं समझना चाहते, तो वो परिवार की स्थितियों के प्रति उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी कोई ज्ञान नहीं है, ये परिवारों से जुड़ी हुई पार्टियां नहीं है, उनको अपना आत्ममंथन करना चाहिए, पूरे देश को परिवार बताने वाले अगर परिवार के प्रति ये भाव रखते हैं तो निश्चित रूप से उनके लिए शर्मनाक है। जिस तरीके से बीजेपी बहुत गर्व के साथ कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? झूठे तो झूठे, कितने झूठे, बड़े झूठे कि छोटे झूठे, एक तरफ कहते हैं ना 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाल दिया है, एक तरफ कहते हैं 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, इनकी सारी बातें आपस में भेद पैदा करती हैं और सारी बातें झूठी हैं। राशन उनका एक चुनावी जुमला था, बाद में उन्होंने उसको जब उनको लगा कि हमको इसी से वोट मिला है तो उन्होंने उसको बढ़ाया, लेकिन आज तारीख अभी सुना इस मौसम में जुंडी और बाजरा दे दिया है राशन में, गेहूं चावल जुंडी बाजरा दे दिया है, तो अब वो क्या राशन बांट रहे हैं वही जाने,
लेकिन जनता इनके झोले में फंसने वाली नहीं है, इनको खुद झोला उठा करके अब निकलना होगा। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि धरती पुत्र मुलायम सिंह जी अब अपने बीच नहीं है, उनके साथ आपकी जो यादें थी कुछ कोई किस्सा हो वो बताइए। बहुत किस्से हैं, लेकिन अब उस कद का तो कोई हो नहीं सकता। वो देखे उनकी तो मुझे चेहरे की हर जो झुर्री थी, जो सिम्टम थी, उसमें एक संघर्ष दिखाई पड़ता था। फिर भी एक यादगार किस्सा बता देते हैं जिससे जिसने हमारी जिंदगी की धारा बदल दी। 2005 रहा होगा शायद, 2005 या 2006, 19-20 साल पुरानी बात है। बिठूर में नेताजी का कार्यक्रम लगा, नेताजी मुख्यमंत्री थे उस समय, और उस कार्यक्रम में मैं भी था और नेताजी थे। कार्यक्रम के आयोजन में मेरा अच्छा रोल था उसमें, हमारी टीम थी, हमारे लोग थे। तो उसमें मैंने नेताजी से बोलने के लिए से पहले अपने बोलने के लिए आयोजक से अनुरोध किया था, मैं बिठूर के लिए कुछ मांगना चाहता था। हाँ जी। तो और जो संचालक थे उन्होंने नेताजी को बुला लिया, मैंने उनको धीमे से खींचा कि मैंने पहले मुझको बोलना था। तो वो बेचारे तुरंत हड़बड़ा के उन्होंने हमको बुला दिया। तब तक नेताजी खड़े हो चुके थे, वहां से बोलने चल चुके थे, और संचालक ने मुझको बुला दिया। अब मैं ठिठक गया, तो नेताजी आ गए, बोले पीठ पे हाथ रखा, बोले बोल बोल क्या बोलना है बोल। तो मैंने बेसाख्ता कह दिया, मेरा बचपना कह लीजिए, मैंने कहा नेताजी आप खड़े रहेंगे तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। नेताजी उस बड़े दिल के व्यक्ति थे, बतौर मुख्यमंत्री और मेरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अब वो जाकर के वापस बैठ गए, बोले बोल क्या बोलता है। और फिर मैंने उनसे बिठूर के लिए पुल मांगा, तो और नाना पेशवा पार्क मांगा, और कई चीजें मैंने बिठूर के लिए आसपास के लोग लिए मांगी। और जब नेताजी बोलने आए तो उन्होंने तुरंत कह दिया कि जो इसने मांगा सब दिया और जो जो मांगना है सो मांग ले। उस बड़े दिल के नेताजी थे, और वो पुल आज बिठूर के लोगों के लिए और बिठूर के पार उन्नाव के लोगों के लिए जीवन रेखा बन के लोगों की जिंदगी बदलने का काम किया है। तो नेताजी का तो विशाल हृदय, विशाल व्यक्तित्व था, और हम लोग उसमें कोई हैसियत नहीं थे, नौजवान थे, साधारण नौजवान थे, लेकिन नेताजी इस बड़े दिल के नेता थे। उसी घटना के बाद से कहीं ना कहीं हम लोगों की जिंदगी की धारा बदल गई, इस पर चुनाव लड़ना और जीतना, ये सब बातें शुरू वहीं से हुई, जब नेताजी का हाथ हमारे पीठ पर आया, वहीं से जिंदगी की लाइन बदल गई। तो आप पूरी तरीके से तैयार हैं चुनाव के लिए, तैयारी के लिए और प्रचार के लिए? तैयारी है, हम लोग तो योद्धा हैं, युद्ध की रणभेरी बजते ही सारे योद्धा अपने आप तैयार हो जाते हैं, तो हम लोग तो तैयार ही हैं, और बल्कि हम लोग तैयार तो हमेशा रहते हैं, पर इस बार दुगने उत्साह, दुगने जोश के साथ में हम लोग चुनाव के लिए तैयार हैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, सबसे बड़ा तो नहीं कहूंगा क्योंकि हजारों की लाखों की उसमें तो हमारे यहाँ की लड़ाई हो जाएगी, सबसे बड़ा कौन, सबसे बड़े तो हम हैं। इसलिए मैं कहूंगी अगर आपकी अगली बार मुलाकात हो जब भी उनसे, तो मैं खुद उनके साथ मिलना चाहता हूँ, उनका इंटरव्यू करना चाहता हूँ, और आप देखना कि अगर पॉसिबल है ये। चलिए अभी तो पॉसिबल तो कुछ भी है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, तो कुछ भी पॉसिबल है। हम लोग किसी अच्छे वातावरण में बात करेंगे उनसे, आज भी थोड़ा चुनावी व्यवस्था होगी, हम लोग बात करेंगे, संभव होगा जरूर प्रयास किया जाए। आपने इतने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।